भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी PSUs की संख्या घटाकर सिर्फ 2 दर्जन तक सीमित कर देगी, जो फिलहाल 300 से भी ज्यादा है। दरअसल सरकार ने इस बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की एक नई नीति पेश की है। इसके तहत नॉन कोर सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण करने के साथ साथ ही घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की योजना है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि नीति आयोग के सुझाव के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट ये तय करेगी कि सरकार के पास कितनी कंपनियां रहनी चाहिए। नीति आयोग को ही उन कंपनियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है जिनका मालिकाना हक प्राइवेट प्लेयर के हाथों बेच दिया जाएगा। बजट में साफ कहा गया है कि अब सिर्फ 4 प्रमुख सेक्टर ही होंगे और उसमें अधिकतर 3 से 4 कंपनियां ही रहेंगी। बाकी जिन क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार उन्हें बेच देगी और इस तरह से 2 दर्जन या उससे भी कम कंपनियां ही सरकार के अधीन रहेंगी। आपको बता दें कि इनमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा परिवहन, दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और दूसरे खनिज के साथ साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस और वित्तीय सेवाओं को रणनीतिक क्षेत्र बताया था। नई नीति में कहा गया है कि इन रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों की न्यूनतम मौजूदगी होगी। रणनीतिक क्षेत्र की केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा या फिर उनका सहायक कंपनियों में विलय किया जाएगा या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वहीं गैर रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण ही होगा वरना इसे बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने अपनी नई नीति से साफ किया है कि COVID-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सरकार को पड़ने वाली नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में ये निर्णायक कदम बढ़ाने ही होंगे। 2018-19 के पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार के अधीन 348 उपक्रम कार्यरत थे।